एक्चुअली आई एम सो हैप्पी आई एम हियर टुडे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो दिस वंडरफुल टीम ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे लिए और हमारी यादें ताजा हो गई। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। मुझे नासिर साहब याद आ रहे हैं, मुझे मंसूर याद आ रहे हैं और आनंद मिलन याद आ रहे हैं एंड यू नो दिस सॉन्ग इज बीन मजरू साहब मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है। सो इट्स अ वंडरफुल इवनिंग एंड मुझे इतना मज़ा आया दोनों गाना सुन के, पापा कहते हैं और ए मेरे हम सब, इतने खूबसूरत गाने हैं जो ये टीम ने बनाया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट फॉर अस, इट वॉज रियली यू नो वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर मी एंड फॉर रिद्धित एंड आई गेस ऑल ऑफ अस इन वन वे और द अदर, इट वॉज अ वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड 35-36 साल हो गए लेकिन वो गाना आज भी उतना ही हमको छूता है एंड इट इवोक्स सच वंडरफुल इमोशंस इन अस। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इस टीम के लिए। मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ श्रीकांत के पूरे टीम को और हमारे सुपरस्टार आमिर साहब हैं और मैं 36 साल पुरानी यादों में चला गया हूँ। 36 साल हो गए, 36 ईयर्स नाउ, कांट बिलीव के मतलब 36 साल के बाद भी आप लोगों के दिलों में ये म्यूजिक, ये गाना छाप बन के तभी भी था और अभी भी छाप है, छाप बन के है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके लिए मैं टी सीरीज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे अभी तक याद है कि 36 साल पहले इस फिल्म का गाना था और आमिर साहब सामने बैठे थे तो कहा कि इस हीरो के लिए आपको गाना है, तो मैं तो डरा हुआ था। मैं बोला कि अगर ये पिक्चर, ये गाना अगर नहीं, मतलब ये गाना अगर अच्छा नहीं गाया मैंने तो फिर मेरा बुरिया बिस्तर भी रेडी था घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए, ये सच है। और मुझे देखे तो खास उनको ये डर हुआ कि अच्छा ये हीरो है तो मेरा बोरिया बिस्तर तो कंफर्म है वापस जाने का।